दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA पर चल रही पॉलिटिक्स पर बात रखी। शाह ने CAA का विरोध कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा, मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी है, कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें, आप भी एक बंगाली हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो CAA को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील की कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें, ऐसा करने से वे अवैध प्रवासियों की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। शाह ने कहा, ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि वे बताएं इस एक्ट का कौन सा नियम किसी की नागरिकता छीन रहा है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी और डर बना रही है। मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और बताएं कि उन्हें और उनकी पार्टी को CAA से क्या परेशानी है, वे क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में आपको अपने फैसलों के पीछे का कारण बताना पड़ता है। अगर CAA मेरी सरकार का फैसला है तो मुझे बताना होगा कि मेरी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है और ये देश हित में कैसे है। ऐसे ही आपको अपने विरोध का कारण बताना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।